Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental sciences and basic Ayurvedic sciences. Our today's chapter is anemia, which is a chapter of pathology. And the topic we'll be studying today are anemia, its signs and its symptoms. So our today's topic is anemia. Let us discuss what is anemia. Anemia is either lack of RBCs or deficiency of hemoglobin. So we all know कि हमारी blood में जो है तीन तरीके की cells होती है, RBCs that are red blood cells, WBC white blood cells and platelets. तो RBC या तो उसकी number कम हो जाए, which is normally it is 4.5 to 5 million per cubic millimeter, but इससे कम हो जाएगा तो it will lead to anemia, या फिर decrease in amount of hemoglobin जो कि normally होता है 15 gram per deciliter, अगर इससे कम हो जाएगा तो it will lead to anemia. Now for the matter of fact, anemia is one of the most commonest disease all over the world. Har saal almost about 10 million cases record hote hain anemia ke. And of course there are much more jo ki kabhi record hi nahi hote hain. Especially women of reproductive age is highly anemic kyunki because of blood loss which happens every month in them. Now let us discuss what are the factors on which severity of symptoms depend. मतलब किसी भी इंसान में anemia किस severity का है वो कौन कौन से factors पे depend करता है. So our first factor is speed of onset of anemia. कुछ anemias जो होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, those are slow progressing anemia. While कुछ anemia like vitamin B12 deficiency anemia, they are slow progressing anemia. While there are anemias जो कि rapidly progress करते हैं, जिनके symptoms बहुत जल्दी आते हैं. For example, sickle cell anemia या thalassemia, तो of course उनके symptoms जो हैं ज़्यादा severe होते हैं. So speed of onset of anemia also describes कि कैसे symptoms होंगे. Then age of patient. तो अक्सर जो young anemic patient होते हैं, they have less severe anemic symptoms. क्योंकि जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है. सो ऑफकोर्स वो अनीमिया के जो थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स होते हैं उनसे कोप अप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रांग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. वही जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं अनीमिया के, उनमें सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर होते हैं क्योंकि उनका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो वीक होता है. एंड बिकॉज ऑफ वीकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अनीमिया के कारण उनमें जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो जाते हैं. जैसे हम आगे देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजिना पेक्टोरस, ये सब भी देखा जाता है ओल्डर पेशेंट्स में. सो इन ओल्डर पेशेंट सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स इज मच मोर देन एज कम्पेयर टू यंगर पेशेंट. देन वी हैव सिवियरिटी ऑफ अनीमिया. इसका मतलब ज़्यादा सीवियर अनीमिया होगा, थैलेसीमिया जैसा अनीमिया होगा तो उसके सिम्टम्स ज़्यादा वर्स होंगे एज़ कम्पेयर टू माइल्डर अनीमिया. जैसे हम स्फेरोसाइटोसिस पढ़ेंगे तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्डर होते हैं एज़ कम्पेयर टू थैलेसीमिया विच इज़ अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ अनीमिया. देन वी हैव हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. तो यू ऑल मस्ट हैव रेड इन रेस्पिरेशन चैप्टर कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक कर्व होता है जो कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को लेके प्लॉट होता है. अगर ये कर्व लेफ्ट की तरफ जाता है दैट मींस हमारी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन जो है कम पहुंच रही है. एंड ये कर्व अगर राइट की तरफ शिफ्ट होता है इसका मतलब अप्रोप्रिएट अमाउंट में टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच रही है. सो व्हेन दिस हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट, अनीमिया की सीवियरिटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज एक तो पहले ही हमारे पास आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. उसके बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और कम हो गया जिसके कारण हमारी टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी एंड इट विल लीड टू टिश्यू हाइपोक्सिया. सो इसीलिए हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व व्हेन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट इट इंडिकेट्स मोर सिवियरिटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया. देन वील डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया.
पहले तो लेट अस डिस्कस बिटवीन अ डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म्स है दोनों एंड वी ऑफन गेट कन्फ्यूज बिटवीन द टू टर्म्स. तो सिम्टम्स जो कि पेशेंट ऑब्जर्व करके डॉक्टर के पास. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आर रेडी टू रीड नोट्स आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. ऑफकोर्स टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो टायर्डनेस तो होगी बिकॉज आर टिश्यू वुड नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन कि वो काम कर सके, एनर्जी बना सके. सो वी विल फील टायर्डनेस या इजी फैटीग. इजी फैटीग मतलब आसानी से थक जाना. डिस्पनिया और माइल्ड एग्जर्शन. डिस्पनिया मतलब सांस लेने में परेशानी होना, थोड़ा सा भी भागने पे सांस चढ़ जाना. देन परसिस्टेंट हेडेक, काफ़ी समय से हेडेक रहना. लेथार्जी, आलस आना. सो सिम्टम्स मीन वो चीज़ें जो पेशेंट ऑब्जर्व करके आपके पास आता है, पेशेंट जो बीमारी आपके पास लेके आता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिम्टम्स. सो दीज आर द 5 कॉमन सिम्टम्स ऑफ अनीमिया. बट ओल्डर पेशेंट्स में एज आई टोल्ड यू कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो थोड़ा वीकर हो जाता है. तो ओल्डर पेशेंट्स में और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ऑब्जर्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्डियक फेलियर. देन वी हैव विजुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे ग्लोकोमा हो गया, कैटरेक्ट हो गया. देन वी हैव क्लॉडिकेशन. क्लॉडिकेशन का मतलब आपकी जो पैरों की काफ मसल्स होती हैं उनमें पेन होना. कई बार ओल्डर पेशेंट्स कंप्लेन करते रहते हैं कि काफ मसल्स में पेन है. तो दैट इज क्लॉडिकेशन एंड इट माइट बी अ सिम्टम ऑफ अनीमिया. आफ्टर दिस लेट अस डिस्कस द साइंस ऑफ अनीमिया. साइंस वो जो डॉक्टर देख के पेशेंट में फिर ट्रीटमेंट रेफर करता है. सो साइंस ऑफ अनीमिया हम हेड टू टो में जाएंगे सो दैट वी कुड लर्न इजीली. सो सबसे पहले है पैलोर. पैलोर मतलब रंग उड़ा हुआ सा होना. जो लोग अनीमिक होते हैं डॉक्टर्स उनके हाथ चेक करते हैं और हाथ देख के ही बता देते हैं कि अनीमिक है. वाई सो? क्योंकि हाथों का रंग जो है वो उड़ा उड़ा सा होता है. सो पैलोर इज सीन इन स्किन. कंजक्टाइवा मीन्स आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. देन लेट अस गो फ्रॉम हेड टू टो. तो सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अक्सर कोई भी अनीमिया के कारण जो सिम्टम्स साइंस नज़र आते हैं दोज इंक्लूड फेंटनेस मतलब बेहोश हो जाना, गेडीनेस चक्कर आना, हेडेक, टिनिटस मतलब इनर ईयर में जो है इन्फ्लामेशन होना, कानों में दर्द होना, नंबनेस, ड्राउजीनेस आलस आना एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज. बिकॉज अनीमिया में ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच पाता टिश्यूज़ को तो टिंगलिंग सेंसेशन होने लग जाती है इस्चेमिया के कारण. देन CNS के बाद आती है आईज. तो ऑक्यूलर डिस्टर्बेंसेस. ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस में कई बार रेटिनल हेमरेज हो जाता है, मतलब रेटिनल जो आर्टरीज एंड वेन्स है उसमें क्लॉटिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ अनीमिया. देन वी हैव आफ्टर आईज या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर हार्ट. तो अक्सर कार्डियक हाइपोक्सिया के कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजिना पेक्टोरिस के चांसेस बढ़ जाते हैं विच इज ऑफन कॉमन इन ओल्डर पीपल बिकॉज ऑफ वीकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. देन दी अदर साइंस आफ्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी हैव आर स्टमक, दैट मीन्स GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम. सो इट ऑल स्टार्ट्स विद एनोरेक्सिया, मतलब भूख कम लगने लगेगी. भूख कम लगेगी तो वेट लॉस होगा ऑफकोर्स. देन नौशिया, अ फीलिंग टू वॉमिट. नौशिया के बाद वॉमिटिंग एंड देन फ्लैट्यूलेंस, हमारी स्टमक हैवी सी लगेगी. आफ्टर GIT वी हैव रीनल सिस्टम, किडनीज. सो रीनल हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा? एनूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या ओलिगोयूरिया, दैट मीन्स लेस यूरिन फॉर्मेशन. देन वी हैव आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज कॉमन इन फीमेल्स. ऐसा होता है एमेनोरिया मीन्स ब्लीडिंग हो ही नहीं रही है, या मेनोरेजिया एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ अनीमिया.